नमस्कार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देश एक बार फिर से उसी दिशा में जाने लगा है जिस दिशा में पिछले साल मार्च के महीने में गया था। कोरोना को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाए हैं, लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कोरोना से बचाव के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कोरोना शरीर के किन अंगों पर सबसे आसानी से हमला करता है और फिर उनसे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही आपको समझाएंगे कि शरीर में बाहर और अंदर ऐसे कौन से अंग हैं जो कोरोना वायरस के हमले का सबसे आसान शिकार है। ये है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वायरस की कांटेदार संरचना शरीर की कोशिकाओं से जुड़कर अंदर प्रवेश करती है। एक बार कोशिका तक पहुंचने के बाद वो अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगता है। ये वो समय है जब वायरस स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करता है। शुरू में मरीज में खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे वायरस लोड बढ़ता है मरीज बीमार महसूस करने लगता है और फिर दिखने भी लगता है। यही वो समय है जिसमें इलाज न मिलने पर लक्षण बिगड़ते चले जाते हैं और मरीज की हालत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शरीर में कोरोना जिन अंगों से प्रवेश करता है उनमें नाक, मुंह और गुदा द्वार भी शामिल है। ये तो हुई कोरोना के शरीर पर हमले के बाद की प्रक्रिया, लेकिन एक बार ये समझना जरूरी है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का दावा करने के बाद भी लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मास्क का गलत ढंग से पहना जाना भी कोरोना को बढ़ावा देता है। इससे कोरोना नाक या मुंह से होते हुए सीधा फेफड़ों तक पहुंचता है। दरअसल शरीर के बाहरी अंगों की बात करें तो वो सारे ही अंग कोरोना वायरस के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए मास्क सही से लगाएं। शरीर के बाहरी हिस्सों में नाक, मुंह और आंखें वायरस के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जैसे मास्क ठीक से ना पहनने पर सीधे सांस के जरिए संक्रमण फैलता है, वहीं संक्रमित सतह को छूने के बाद अगर आंख या मुंह को छुआ जाए तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। फिलहाल संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें सारे कोरोना प्रोटोकॉल्स मानने की जरूरत है। इनमें सबसे पहला है मास्क को सही तरीके से पहनकर ही बाहर निकलना और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। मास्क का गणित भी समझिए। कोरोना को लेकर नई स्टडीज में मास्क और संक्रमण को जांचते हुए आंकड़े निकाले गए। इनमें पता चला कि अगर कोरोना मरीज के सामने अगर स्वस्थ इंसान मास्क पहने तो संक्रमण का खतरा 5-10% तक ही रहता है, लेकिन वहीं कोरोना के मरीज ने मास्क ना पहना हो तो संक्रमण का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोरोना संक्रमित इंसान और स्वस्थ इंसान दोनों ने मास्क पहने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है तो वायरस के फैलने का डर घटकर 0.5% तक ही रह जाता है, यानी बहुत कम। कोरोना का इन अंगों पर भी हमला। बताया जाता है कोरोना का सबसे ज्यादा हमला फेफड़ों पर होता है, लेकिन फेफड़ों के अलावा वायरस शरीर के दूसरे अंगों जैसे कि किडनी, लिवर और आंतों पर भी हमला करता है। इस दौरान सांस लेने में मुश्किल की बजाय दूसरी तरह के लक्षण दिखते हैं। हालांकि ये स्थिति फेफड़ों पर हमले से कम गंभीर है और इलाज मिलने पर मरीज जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। खून के थक्के जमना। इसके अलावा एक और चरण भी है जिसमें शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग जैसे कि फेफड़े, दिल, किडनी आदि का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उस अंग तक खून नहीं पहुंच पाता, बल्कि खून का थक्का जमने लगता है। इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये काफी खतरनाक स्थिति है। ऐसे में मान लो दिल तक खून ना पहुंच सके तो मल्टी ऑर्गन फेल तक हो जाते हैं और मरीज की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कोरोना के संकेत और कोरोना शरीर के किन किन अंगों पर हमला करता है। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखकर सावधान रहें और मास्क जरूर लगाएं।